अखिलेश भैया का आत्मविश्वास खत्म कर पाएगी मायावती दीदी। मिशन मोड में राजनीतिक दल कर रही है लोकसभा चुनाव 2024 जीतने की तैयारी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारी भी तेज हो गई है। चुनाव जीतने की होड़ में सभी राजनीतिक दल रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें और बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों ही पार्टी मिशन मोड में अपनी जीत की तैयारी कर रही है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी का मिशन कामयाब होता है। आपको क्या लगा? इस वीडियो में आपको सपा और बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएसपी चीफ मायावती के एक ट्वीट के बारे में जो काफी चर्चा में है। बीजेपी और सपा ही नहीं बल्कि बीएसपी और कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त रणनीति तैयार कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो मायावती का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में मायावती दीदी ने बुधवार को होने वाली बैठक के बारे में जानकारी दी है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश व देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों एवं समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी आदि को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट सभी मंडल तथा सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक कल लखनऊ में आहूत। मायावती भी बीजेपी और सपा को बराबर टक्कर देने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं जितनी दिख रही है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने अपने उम्मीदवार के लिए मंथन शुरू कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। बीते दिनों अखिलेश यादव ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीट जीतेगी। अब उनका ये कॉन्फिडेंस यही दर्शा रहा है कि सपा इस बार मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। ये तो थी सपा की बात। अब बात करें बीजेपी की, तो वो भी इस रेस में कहां पीछे रहने वाली है। आपको बता दें, ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी बीते कुछ दिनों से हर लोकसभा सीट पर मंथन कर रही है। इसके लिए हर सांसद का फीडबैक तक लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी अगस्त महीने में यूपी आ सकते हैं। बीजेपी हो, सपा हो या बसपा, सभी राजनीतिक पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अब आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी की रणनीति बेहतर है और चुनावी दंगल में कौन जीतेगा? जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन पर।